भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए इतना सस्ता, इतना अफोर्डेबल, इतना पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इतना बढ़िया प्रोजेक्ट, जो जिन लोगों के सपने पूरे आज तक नहीं हुए दिल्ली के अंदर अपना घर का, आज भी वो लोग रेंट पे रह रहे हैं। लोग मैंने देखा अपने लाइफ में 10-10 साल 20-20 साल लोगों के हो गए हैं, लोग आज भी रेंट पे रह रहे हैं, 15,000-20,000 का रेंट दे रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ उनके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अपने प्लॉट लेके अपने सपनों का घर का पूरा कर सकते हैं, उनको जमीन भी अपनी मिलेगी। आप कभी कहीं और ऐसी प्रॉपर्टी देख रही हूँ कि जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ और इन फ्यूचर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। सो मुझे किसी ने बताया INS कंपनी है, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सो मैं वहाँ पे देखने आई थी। तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पर अगर मैं सड़कें बताऊँ तो 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक की रोड यहाँ पर मिलने वाली है, और सबसे अच्छी बात रहने वाली है प्लॉट जो है सब सीक्वेंस में रहने वाले हैं, यानी अगर 200 गज के हैं तो आपको 200 गज के ही सीक्वेंस में मिलेंगे, अगर 100 गज के हैं तो 100 गज के ही सीक्वेंस में मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जेवर एयरपोर्ट जो है यहाँ पर पास रहने वाला है, 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और ये पलवल और अलीगढ़ का हाईवे है, वो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, वो भी यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये रहने वाला है, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं यहाँ, और काफ़ी टाइम से जो है यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्राइसेस, अगर मैं यहाँ पे गज की बात करूँ तो यहाँ अगर मैं कहूँगी कि 3 महीने पहले 6500 गज था, अब जो है 1500 रुपये और गज बढ़ चुका है, यानी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अच्छी है, महीने के महीने बाद जो है प्राइसेस इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज, जो हम मेन मोटिव ये होता है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम यही देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिलने वाली, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्रेस वे बता दिया, और अभी देखिए दूर तक देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने के लिए कि किस तरह की साइट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए काफ़ी जमावा यहाँ पर जमा हुआ है, और मैं सीधा यहाँ की GM से ही बात करती हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, कितने कैश मिलेगा और क्या रहने वाला है। देकर जो है अपना आप घर बुक कर सकते हैं, टोकन मनी ले सकते हैं, और 6 डेज तक अगर हम उनको जो है 30% नहीं देते तो वो जो 2100 रुपये हैं वो रिफंड हो जाएगा। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो फिर देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो सीधे यहाँ के GM से ही मिलने चलती हूँ मैं, और देखती हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। अगर अच्छा लगा तो देखते हैं। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर जिस साइट पर आई हुई हूँ और मैं GM सर से मिलना चाहूँगी, तो ये जनरल मैनेजर यहाँ के INS कंपनी के, और जाना माना नाम है मोहम्मद सलीम सर। सो सर, मैं यहाँ पर जो हूँ प्रॉपर्टी की परचेजिंग के चक्कर में आई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो सर मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि मुझे, मैं यहाँ क्यों ले रही हूँ, मुझे ऐसा क्या लगे, मैं मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी मुझे क्या लगे इंटरेस्ट कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी लूँ। ओके, मैं मैडम बताता हूँ INS बिल्टेक में प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं लोग, हाँ। या क्यों लेना चाहिए जी। ये प्रॉपर्टी अपने आप में इतना ज़बरदस्त लोकेशन पे है, दिल्ली NCR के अंदर इतना
बढ़िया एकदम, अगर हम रियल एस्टेट की भाषा में बात करेंगे तो ये एक चरस लोकेशन है। अच्छा, चरस का मतलब है कि एक बार अगर बिक गई ना, हाथ से निकल गई तो फिर आपको मिलना नहीं है। अच्छा, ठीक है। इतनी ज्यादा इस टाइम मास सेलिंग है, मास डिमांड है, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक्चुअल इसका जो कारण है ना, एक तो अफोर्डेबल रेट्स है, अच्छा, दूसरा EMI फैसिलिटी है, और तीसरा लोकेशन जबरदस्त है, कनेक्टिविटी और अप्रोच जबरदस्त है। कनेक्टिविटी कौन कौन सी रहने वाली? कनेक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, ये आपका हमारा जो प्रॉपर्टी है ये 6-lane highway है, अच्छा, अलीगढ़ पलवल हाईवे के ऊपर है, और यही रोड आगे DMIC हरियाणा को कनेक्ट, और बॉम्बे को कनेक्ट कर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल, ये रोड यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट कर रही है। ऑलरेडी जो दिल्ली का तीसरा रिंग रोड बना है, जिसको हम बोलते हैं KMP हाईवे, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, उसको भी कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें 2024 के बाद, पूरे दुनिया को हम 2 घंटे में कनेक्ट कर लेंगे। जब एयरपोर्ट लॉन्च हो जाता है, पूरे वर्ल्ड को हम कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से कोई प्लॉट परचेज करती हूँ, चाहे मैं 50 गज का करूँ, चाहे मैं 100 गज का करूँ, तो मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंस रहूंगी इन फ्यूचर कि मुझे पूरे वर्ल्ड से तो लेकर पूरी स्टेट में भी कनेक्टिविटी इजीली मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं प्रॉपर्टीज तो काफी सारी सर्च कर रही हूँ, और मैंने देखा है कि कहीं जगह 100 गज का है, साथ में 50 गज है, कहीं पे 30 गज भी है। यहाँ तो ऐसा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है कई सारे ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। अच्छा, ब्लॉक्स में बटे हुए। जैसे 59 गज वाले जो ब्लॉक्स है वो इकट्ठा एक जगह पे है जी। जैसे 200 गज वालों का है, जैसे हमारे यहाँ 40 फीट का रोड है जी। तो 40 फीट के रोड पे हम छोटे प्लॉट तो दे नहीं सकते, उसमें प्रोफाइल लोग आएंगे, बड़े इन्वेस्टर आएंगे, तो वहाँ पे 200 गज के सारे प्लॉट है, मतलब एक जगह 200 गज। जैसे 25 फीट का रोड है हमारा, 25 फीट पे उसमें 150 गज के प्लॉट्स हैं, सारे एल टाइप के प्लॉट्स हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्लॉक्स वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोफाइल वाइज सारा डिवाइडेड है जी। यानी कि हमारी कोशिश है, हमारे INS बिल्टेक की, कि हर प्रोफाइल का इन्वेस्टर यहाँ पे आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करे। एक्चुअली यहाँ पे 30% एंड यूजर्स आ रहे हैं, 70% इन्वेस्टर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कॉलोनी आपको बताऊं कि अगले 2-3 सालों में बिल्कुल डेवलप आपको मिलेगी, और लोग यहाँ पे मकान बना के रह रहे होंगे जी। ठीक है ना। तो सर, आपने ये तो बताया कि ये कनेक्टिविटी है, इन फ्यूचर काफी अच्छा प्लान है, यहाँ पे लोग बसेंगे, मकान बनेंगे, घर बनेंगे, तो मैं भी इच्छुक हूँ लेने के लिए। तो अगर मैं किस तरह से पेमेंट मोड करूँ आपके साथ, अगर मैं EMI पे भी लेती हूँ? जी जी, हमारे यहाँ जो मैम सिस्टम है ना, वो इतना पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इतना क्लियर है। 30% आपने तो बुक करना है, बुकिंग अमाउंट दे दिया, कंपनी आपको पोजीशन दे रही है, आपको कब्जा दे रही है। रियल एस्टेट का सबसे डिस्प्यूटेड वर्ड है ये। अच्छा, कोई भी कंपनी, कोई भी रियल एस्टेट बिजनेस या रियल एस्टेट में जो लोग डरते हैं चीटिंग फ्रॉड से, वो है कब्जा नहीं लोग देते। हमारे यहाँ कब्जा आपको 30% बुकिंग अमाउंट पे दे रही है कंपनी, 40% पे रजिस्ट्री दे रही है, और 60% बाकी का जो पेमेंट है वो आपको 2.5 साल के EMI पे दे रहे हैं। 2.5 साल की 30 मंथ का EMI है, उस पर कोई ब्याज नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, किसी तरह का कोई लेट फीस नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है? अगर मैं 2-3 महीने अगर किश्त ना दे पाऊँ? बिल्कुल, हो जाता है, कभी सबके साथ हो जाता है, 1-2 महीने ना दे पाऊँ कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। 2.5 साल का पूरा टाइम है, बाकी का रकम 30% देने के बाद 70% पैसा आप 2.5 सालों में दे, अपने सहूलत के हिसाब से। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने पूछ लिया कि हिस्ट्री जब मिलेगी हमें तो कितना हमें कब्जा मिल जाएगा। और सर, मैंने ये भी सुना है कि 21 रुपए देके भी टोल कंपनी देके भी। जब आप संडे में आते हैं हमारे यहाँ ना, तो आपके पास चूंकि हर आदमी 30% पैसा लेके चलता नहीं है, तो हमारे यहाँ टोकन की फैसिलिटी है। तो कंपनी ने 6 दिन का एक टाइम दिया है, ग्रेस पीरियड, कि आप टोकन 2100 रुपये में दे करके आप प्लॉट बुक कर लें, अपने चॉइस को बुक कर लें। हर आदमी का एक अपना चॉइस होता है कि मैं 20 फीटा पे लूँ, 25 फीटा पे लूँ, 40 फीटा पे लूँ, तो वहाँ पे प्लॉट अवेलेबिलिटी के अनुसार वो ऑनलाइन से बुक हो जाता है 2100 में। आप उसके बाद 6 दिन के अंदर आप ऑफिस आ करके या RTGS, NEFT, कैश या पेटीएम के थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सर, अगर मैं बात करूँ, मैं तो खुद एक इंटरेस्ट ले रही हूँ, मेरी ऑडियंस भी है जो शायद इंटरेस्ट लेगी क्यों नहीं, क्योंकि जो ये कंपनी है, जिस तरह की जो प्रोजेक्ट दे रही है, इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो सर, वो किस तरह से जो है, मतलब सपोज कीजिए कोई आउट ऑफ इंडिया है, NRI है, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी सोचते हैं हम विदेश में रह रहे हैं बट अपने इंडिया में जाके भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, इन फ्यूचर
फ्यूचर, चाहे वो हमारे आगे फ्यूचर फैमिली के लिए हो या हमारे लिए, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? उनके लिए बेनिफिट हमारे NRI जो और वो रहता है कि वो वहाँ बैठे हैं, और वहाँ बैठे यहाँ के तो नहीं देख सकते ना। NRI जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी पूरी तरह से डिजिटल है। आप वहीं से बैठ करके अपने प्लॉट को आप चूज करें, प्लॉट की इन्वेंट्री को चूज करें, प्लॉट अवेलेबिलिटी पे जा करके INS बिल्टेक के साइट पे, और अपने हर आदमी के ऑल ओवर इंडिया में क्या है, दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ऐसा सिटी है जहाँ पे हर आदमी के अपने रिश्तेदार तो होते हैं, तो रिश्तेदार को भेज करके साइट विजिट करवा लें और अपने प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं RTGS से NFT या ट्रांसफर के तौर से पैसा भेजवा करके, अपने फैमिली से रिसीट करवा ले, रसीद ले ले उसकी जो रिसीविंग होती है पेमेंट की, या तो उनको हम व्हाट्सएप पे हम रिसीविंग या मेल के द्वारा हम कर देते हैं। तो सर जैसे अब मैं यहाँ पे टोकन मनी ले लेती हूँ जी, तो ये मुझे ऑनलाइन शो होगा सारा, चाहे मैं उस पर रजिस्ट्री भी करवा रही हूँ, यानी कि मुझे यूजर नेम दे रहे हैं आप या मेरी ईमेल आईडी पे दे रहे हैं, मैं वहाँ से सर्च कर रही हूँ, मैं विदाउट यूजर आईडी या विदाउट अपनी आईडी से मैं प्रोसेस करके अलग अगर गूगल पे भी सर्च करना चाहूँ तो मैं सर्च होंगी, मेरी प्रॉपर्टी सर्च होगी 30% के बाद आपका प्लॉट शो हो जाता है आपके नाम पे जी, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो मैं प्रॉपर्टी देखने तो काफी टाइम गई, मैंने वीडियोस भी जो है प्रॉपर्टी के बनाए, मगर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों की, इतना लोगों का जमाव आज तक मैंने नहीं देखा सर। सो ऐसा क्या है यहाँ पर कि जो लोग हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर? मैम मैं आपको बताऊँ, INS बिल्टेक कोई नई कंपनी नहीं है जो अभी नई नई प्लॉटिंग कर रही है और इतने रश हो, ये कंपनी का वर्षों का मेहनत है, करीब करीब 7 साल हो गए कंपनी को रियल एस्टेट पे प्लॉटिंग करते हुए। सबसे पहले हम लोगों ने भिवाड़ी में प्लॉट काटे, उसके बाद सोना रोड में काटे हैं, उसके बाद गाजियाबाद डासना मसूरी में काटे हैं, अब ये कंपनी का टप्पल प्रोजेक्ट अपने आप में चूंकि यूनिक हो गया एयरपोर्ट की वजह से, हमारा इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा पब्लिसिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हो गया, क्योंकि न्यूज में चला गया कि एयरपोर्ट आ रहा, उसके वजह से लोग जो है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लिए इतना सस्ता, इतना अफोर्डेबल, इतना पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इतना बढ़िया प्रोजेक्ट, जो जिन लोगों के सपने पूरे आज तक नहीं हुए दिल्ली के अंदर अपना घर का, आज भी वो लोग रेंट पे रह रहे, लोग मैंने देखा अपने लाइफ में 10-10 साल 20-20 साल लोगों के हो गए हैं, लोग आज भी रेंट पे रह रहे हैं, 15,000-20,000 का रेंट दे रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ उनके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अपने प्लॉट लेके अपने सपनों का घर का पूरा कर सकते हैं, उनको जमीन भी अपनी मिलेगी, आसमान भी अपना मिलेगा। सो सलीम सर थैंक यू सो मच, एक तो आप क्या कर रहे हैं कि आप लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं बिल्कुल, और मैं जो यहाँ परचेजिंग के लिए आई हूँ शायद मेरा सपना भी मुझे लग रहा है पूरा ही होने वाला है, जल्द ही पूरा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर, और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।